तो ये जगह है सरिता ताल के नाम से भाई, और जो ये पूरी की पूरी जो मैंने आपसे को पसंद की। ओ भाई, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के ब्लॉग की हो रही है लवर पॉइंट नैनीताल से शुरुआत। सो गाइस, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये है एक्चुअली में लवर पॉइंट नैनीताल का। और ये जो खूबसूरती है ना यहाँ की, अलग ही है यार। पूरी घाटी देखो आप, मस्त वाली वैली दिख रही है यार, मस्त वाली वैली। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ नैनीताल से समथिंग, ये 3 या 4 किलोमीटर दूर ऊपर है काला डूंगी वाले रास्ते पे। तो यहाँ से आज हमारा जो डेस्टिनेशन है, यहाँ से हम जा रहे हैं काला डूंगी के लिए। और अच्छा रास्ता रहा, हम रामनगर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैं सस्ता रहा हूँ, थकान लग गई, नीचे से आ रहा था यार बहुत थकान। और अब जो रास्ता है ना अपना, पूरा का पूरा ढलान वाला है, इधर से जंगल से रास्ता हुआ गोल घूमते हुए और उधर नीचे की तरफ, और वो सामने जो रोड दिख रही होगी ना आपको, वो सामने रोड, वहाँ जाना अपने को काला डूंगी के लिए। तो अभी काला डूंगी की जो दूरी है यहाँ से समथिंग 30 किलोमीटर है, और 30 ही किलोमीटर वहाँ से रामनगर के लिए आगे है। तो ये बताना मुझे कमेंट करके कि ये जो जगह है ना आपको कैसी लग रही है। तो देख रही है जो चोटी है पीछे, भाई साहब बहुत भयंकर वाली चोटी है। और ये नीचे देखो आप, मतलब आपको कैमरे में दिख रहा हो किस तरह से दिख रहा होगा मुझे पता नहीं है, पर जो मुझे आंखों से दिख रहा है ना, वो A1 प्लेस लग रहा है, A1 प्लेस। तो आप जब भी नैनीताल आओ ना, इस प्लेस पे ज़रूर आना, और लवर पॉइंट के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत नैनीताल से, काला डूंगी या फिर रामनगर के साथ। नीचे ना यार अभी जो है क्या है, धुंध टाइप की लगी होगी, आपको फोटो में भी दिख ही रहा होगा। तो ये झील है एक्चुअली में, तो झील कौन सी है वो आप नीचे जाके अभी बताऊंगा आपको। नाम तो मुझे भी खैर पता नहीं है क्या कौन से नाम से है यार, तो नीचे जाके पता लगेगा कौन से नाम से वो झील है। बाकी आप रोड के इंजॉय करो मस्त वाले, और वेदर के और यहाँ के उत्तराखंड की देवभूमि के इन हसीन वादियों के नज़ारे को मजा लो। तो भाई लोगों ने ना यहाँ ट्रक भी खड़े कर दिए यार, देख रहे आप भाई साहब, एक मैंने कल भी देखा था। अब लोगों ने पहले मैंने देखा था कि छोटी छोटी वैनों पे ऐसे खोके लगे होते थे, अब लोगों ने ट्रक तक इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ठीक है, बढ़िया है। और इस लेन पे ना आपको बहुत सारे मिलेंगे, एक ही नहीं। ओ भाई साहब, साइकिल उठानी पड़ी मेरे को यार आगे का टायर, क्योंकि इसमें ब्रेकर आ गया था वो। ओ भाई साहब, ये भी स्पीड ब्रेकर है रे लाटा, स्पीड ब्रेकर कैसी जगह बना रखे हैं उन्होंने यार। तो चलो फटाफट से निकलते हैं आगे की तरफ। इस जगह का नाम यार अभी तो बोर्डों पे लिखा भी नहीं है, दिक्कत इस बात की आ रही है, लिखा हो तो। हाँ, ये है नारायण नगर। तो ये जो प्लेस देख रहे आप, पीछे से भी हो सकता है, यहीं से भी हो सकता है, तो ये नारायण नगर है सारा का सारा। यू टर्न भाई, हेयर पिन बैंड ना बहुत ज़्यादा है इस रोड पे यार, बहुत ही खतरनाक वाले हेयर पिन बैंड है। तो भाई सावधानी पूर्वक चले, जल्दी से देर भली। ये इंट्रक्शन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअली में मुझे खाना भी खाना था ना, पर खाऊं कहाँ यार, देखता हूँ अभी। होटल तो यहाँ बहुत सारे हैं, तो आगे जाके देखेंगे कहीं पर मिलेगा। तो एक्चुअली मैंने जो ये लोकल होटल है ना, कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा कर देते हैं यार, वो सोचते हैं कि टूरिस्टर है, पर इन लोगों को पता नहीं है कि कैसे टूरिस्टर है ये। अब काला डूंगी यहाँ से 25 किलोमीटर है, और हल्द्वानी यहाँ से 35 किलोमीटर है बाईपास करके। यहाँ से आप बाईपास से होते हुए हल्द्वानी भी जा सकते हो। हेयर पिन बैंड आने वाला आगे, बस हेयर पिन बैंड। अब हरिद्वार जाके पहले साइकिल का काम करवाऊंगा यार, क्योंकि
थोड़ा सा सर्विस चाहिए साइकिल को, फिर उसके बाद आगे की जर्नी करेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताना यार, इस बार हम मेरा मन कर रहा है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग करके आऊँ। एक तो हमने कर ही लिखा है केदारनाथ वाला, ठीक है, नहीं तो हम आगे भी कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 महीने जब तक सर्दियाँ हैं ना, तब तक 12 ज्योतिर्लिंग हम कंप्लीट करके आ जाए। अब 12 ज्योतिर्लिंग हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-1.5 महीने के अंदर हम कर लेंगे साइकिल से कवर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग। तो 1 ज्योतिर्लिंग तो हमारा केदारनाथ वाला कंप्लीट है, बाकी हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हो रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग हो रहे हैं, उनको हम धीरे धीरे करके हरिद्वार जब पहुँच जाऊँगा उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो ये सामने लेक है यार, जगह कौन सी है ये पूछता हूँ इनको, भाई को। भाई जी कौन सी प्लेस है ये, कौन? सरिता ताल। अच्छा ओके, थैंक यू भाई। तो ये जगह है सरिता ताल के नाम से भाई। और जो ये पूरी की पूरी जो मैंने आपसे ऊपर से जो फोटोज दिखाई थी ना, वो सारा का सारा सरिता ताल के नाम से ही है ये। सरिता ताल, खुरपा ताल, दो नाम है यहाँ पर, सरिता ताल के नाम से भी और खुरपा ताल के नाम से भी। तो छोटी सी यहाँ पर झील है एक बनी हुई, और इसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे हमें दूसरी वाली झील मिलेगी। हाँ भाई, रेसलिंग चली क्या, रेसलिंग? नैनीताल प्लेस A1 है यार, बाकी ना लोग हेल्पफुल नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्पफुल नहीं है। और वो बताऊँ ज़्यादातर कौन से हैं, बाहर के लोग जो बसे हुए हैं ना यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा गंदे हैं, और उन्होंने ना पूरा का पूरा माहौल ख़राब कर रखा है यार यहाँ पर। ये देखो यार, यहाँ पर लेक बनी हुई है, और इस सारा का सारा एरिया जो है खुरपा ताल का है। बट हम यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, सीधा निकलते हैं आगे। बाकी हमने इसके जो सिनेमैटिक्स हैं वो ऊपर से ले रखे हैं, तो यहाँ वेट नहीं करते हैं। और यहाँ पर आ गए मनसा देवी का मंदिर खुरपा ताल में। तो ये मनसा देवी मंदिर एक हरिद्वार में भी है, और ये दूसरा मनसा देवी, ये जो मंदिर है मनसा देवी का, ये जो देख रहे हैं आप, ये खुरपा ताल है। तो मनसा देवी का मंदिर एक आपने हरिद्वार में देखा होगा, दूसरा भाई मुझे यहाँ दिखा। बाकी मैंने अभी तक मनसा देवी जी का मंदिर कहीं और दूसरे प्लेस में नहीं देखा है। अब ये जगह है बजून, बजून जगह है ये, बजून, बजून नहीं बजून है, एक बजून हमारे इधर भी है पर बजून नहीं है, ये बजून है। मैंने सोचा था यार मैं लंच के लिए रुकूं यहाँ पर भाई ने बोला कि यहाँ पर तो लंच ब्रेकफास्ट तो आपको मैगी मैगी मिलेगी। अब मैगी खाने का मेरा मन नहीं करता यार, मैगी ना मेरे को पसंद ही। ओ भाई मार दे बहन से। हाँ यार क्या जरूरत है यू टर्न लेने, यू टर्न पे भी वो भाई पास ले रहा है यार फालतू में, मेरे को थूक ही जाता भाई वो तो। तो गाइस यार यहाँ का काला डूंगी बज रखा है 2 किलोमीटर, और यहाँ से 2 किलोमीटर और काला डूंगी है। अब चलते हैं यहाँ से, और रोड तो बहुत मस्त थी, अब काला डूंगी के बाद पता करेंगे कि रोड कैसी है। रामनगर हम आराम से पहुँच सकते हैं, अगर रोड भी अगर सही मतलब ढलान नहीं भी रही, अगर प्लेन भी रोड रही ना, तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और दूसरा यार अभी ना काम बहुत सारा ये है कि मतलब अभी जो है ना वीडियो एडिटिंग का काम सबसे पहले है। सो हे गाइस, फाइनली यार अपना जो है ना खाना पीना नाश्ता हो चुका है। एक्चुअली मैं नाश्ता तो मिल नहीं रहा था, मैंने चावल और राजमा चावल ही वगैरह खाया, और अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं सीधा काला दुंग रामनगर के लिए।
अभी काला डूंगी तो हमने पीछे छोड़ दिया है, अब रामनगर के लिए निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। और रास्ता अपना ना बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है, और रामनगर से पहले पड़ेगा बाजपुर, और बाजपुर की दूरी जो है यहाँ से 22 किलोमीटर और है। तो यार ऐसा चलाने का मौका ना बहुत कम मिलता है, अरे तो चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और ये आ गई है चेक पोस्ट यहाँ पर, चलो 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 चलो। पता है गाइस कितने दिनों से यार ये जगह ऐसी रोड़े ना देखने को मिल रही है, मतलब ये काला डूंगी से भी मैं जब इधर की साइड आया हूँ रामनगर की साइड, पूरा रास्ता ना प्लेन है, एक कदम भी मेरे को पैदल नहीं चलना पड़ा, अभी पूरा का पूरा प्लेन है। अभी जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ फिलहाल यहाँ तक तो प्लेन है, इसके बाद का पता नहीं है। और बाकी रास्तों में चलने में बिल्कुल मस्त मजा आ रहा है। यहाँ से रामनगर की अभी जो दूरी है वो बच रखी है 20 किलोमीटर और, तो 20 किलोमीटर रामनगर यहाँ से अभी हमने कवर अप करना है। तो आई होप कि हम जल्दी से कवर कर ले, क्योंकि टाइम हो चुका है 11:34 और 12 आधा घंटा ये हो गया, मतलब 2 तक हम रामनगर होने चाहिए यार। 18 किलोमीटर यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये 18 किलोमीटर दिखा रहा है रामनगर को। तो चलो फिर फटाफट से कवर करते हैं, और जब से मैं इस एरिया में घुसा हूँ ना, तो मुझे अभी तक ऐसा फील नहीं आ रहा कि मैं पहाड़ों में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यार, मैं फिर वही हरिद्वार जैसी जगह में आ गया हूँ। अरे हरिद्वार के पीछे जो ये जंगल दिख रहा है ना, सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है यार, ये जो बेचल के पीछे हरिद्वार का जंगल दिखता है सेम टू सेम वही दिख रहा है यार। आने के लिए तो पैसे ले रहा, पूछना पड़ेगा यार। सर रामनगर मेन रामनगर, हाँ मैं तो हरिद्वार से आ रहा हूँ ऐसे। हाँ, कल नहीं सर, एक मेरे को हो गया है 50 हो गए। हाँ नहीं, मैं पंच बद्री पंच केदार पंच प्रयाग करके आया ना उधर से पीछे से, पूरे इंडिया टूर पर, पूरे इंडिया नहीं उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड। हाँ ऐसे निकल जाओ बाजार ही है ये, सीधे ये रामनगर ही आ चुके हो। अच्छा, आगे जाओगे तो मेन मार्केट में एंट्री। अच्छा, अगर कोई स्पेशल जगह जाना है तो नाम बताओ वहाँ पर। ना मैं बाजार ही चलता हूँ पहले मैं। ओके थैंक यू सर। सो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं रामनगर में, और ये जो एरिया है पूरा का पूरा रामनगर है, पीछे से भी आप जो देख के आ रहे वो भी रामनगर है, और दिस इज एरिया फिर रामनगर। तो भाई क्राउड काफ़ी है और बाजार भी काफ़ी भयंकर वाला है। फाइनली मैं रामनगर तो पहुंच गया, पर रामनगर से भी आगे निकल रहा हूं। अब यहां से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहे गर्जिया माता देवी का मंदिर है, तो गर्जिया देवी के माता के दर्शन करते हैं, और फिर उधर से हमें मरचूला भी पड़ेगा, तो हम मरचूला का जो लाइन है ना उसको कवर करते हुए निकलेंगे यहां से। तो अभी जो है यहां से ये जो बोर्ड लगा है रानीखेत का डिस्टेंस जो है यहां पर अभी आपको दिखा रहा हुआ 93 जिम कार्बेट पार्क 17 किलोमीटर, और तीसरा यहाँ पर पौड़ी, और पौड़ी की दूरी यहाँ से है 229 किलोमीटर यहाँ से पौड़ी पड़ेगा आपको। तो चलो यार फटाफट से, आज तो इतना हो गया, अब 3-4 दिन और लगेंगे। अभी 229 में से 10 किलोमीटर हम अभी माइनस कर लेंगे, 10 या 12 किलोमीटर माइनस कर लेंगे, तो वही बच जाएगा हमारा 218 किलोमीटर के समथिंग। तो चलो फटाफट से करते हैं आगे, चलते हैं गर्जिया देवी, और सीधा डायरेक्टली ना आपको गर्जिया देवी मिलूंगा, क्योंकि ये रास्ता भी तो ठीक है, बट कैमरा जो है ना कैमरा डिस्चार्ज हो चुका है यार पूरा का पूरा, और पसीना बेहिसाब पसीना आ रहा भाई। एक तो यार इधर के इलाके में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इतना तो मैंने यार कहीं फील ही नहीं किया, यहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बड़ी मुश्किल से छांव मिली है,
तो चलो फटाफट से चलते हैं और आज दूरी को भी कवर करते हैं, गर्जिया देवी के दर्शन करते हैं, माँ गर्जिया देवी के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो चलो फटाफट से मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। तो गाइज फाइनली यार हम पहुंच चुके हैं माँ गिरिजा देवी के मंदिर में और ये है माँ गिरिजा देवी का मंदिर, दोनों नदियों के बीच में बना है। ये कोसी की नदी कहा जाता है इसे, वैसे ये कोसी नदी है। और तो कोसी यहाँ पर इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ पर तपस्या करी थी कोसी की ऋषि ने, और तो कोसी की ऋषि ने जब यहाँ पर तपस्या करी थी उस दौरान उन्होंने गिरिजा माँ का जो था ध्यान किया था, तो गिरिजा माँ ने यहाँ पर प्रकट होकर यहाँ पर उनको दर्शन दिए। तो अभी भी ये मंदिर जो है ना, इधर एक साइड में आप इधर नदी देख रहे होंगे, इधर भी नदी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर माता रानी का मंदिर है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अल्टीमेट है, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे ना हनुमान गुफा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला प्लेस यहाँ पर है शिव गुफा और भैरव मंदिर, दोनों ये गुफा के अंदर है। तो ये देख सकते हो माँ का मंदिर यार, अल्टीमेट प्लेस है, अल्टीमेट प्लेस। तो चलो फटाफट से दर्शन करते हैं, बाकी इसके सिनेमैटिक जो है ना मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो चलो भाई गाइस, ये है माता रानी के दरबार का एंट्रेंस पॉइंट, अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा माँ के दर्शन करते हैं। हे गाइस गुड इवनिंग, एक्चुअली मैं गुड इवनिंग तो नहीं है, गुड नाइट होने का टाइम हो चुका है, 8:30 हो चुके हैं और अभी मैं हूँ गर्जिया देवी मंदिर में, माता गर्जिया देवी के मंदिर में। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना आप, ये पूरा का पूरा गर्जिया देवी का एरिया है, बट मंदिर यहाँ पर नहीं है, मंदिर है वहाँ पर आपको हल्की सी लाइट दिख रही होगी ना ये वाली, तो ये यहाँ पर गर्जिया देवी का मंदिर है। तो यार यहाँ पर मैं पहुँच गया था 3:30 या 4 बजे के करीबन। तो बाकी आज का जो रोड का एक्सपीरियंस था बहुत ही मस्त था, बहुत ही अल्टीमेट था, और यहीं से ही मेरा मरचूला का रास्ता था, तो मैंने सोचा क्यों मैं आधा रास्ता आज तय कर लूँ और फिर कल मैं यहाँ से मरचूला के लिए निकलूँ। तो मरचूला का डिस्टेंस अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कितना है, बाकी कल ही पता लगेगा, कल मैं आपको मॉर्निंग में बताऊँगा कितना हो रहा है। बाकी एडिटिंग वीडियो की पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, बस वीडियो को अब एक्सपोर्ट करना बाकी है, और जो अभी लास्ट में जो ये क्लोजिंग पॉइंट है इसको टच करना बाकी रह गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है ना उसे भी जरूर हिट करना ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।